किडनी की सफाई करने का इससे आसान उपाय तो कहीं मिल ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। एक ताजा अनुमान के अनुसार 70% शहरी भारतीय किडनी के रोग से पीड़ित हैं। हमारे शरीर में राजमा के सेब की 2 किडनी होती हैं। अगर एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरे के सहारे सामान्य जीवन जिया जा सकता है। किडनी में खराबी किसी भी उम्र में हो सकती है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा दिल का रोग भी एक कारण होता है। ऐसे में किडनी संबंधी रोग से बचने का उपाय तो अपनाएं ही, साथ ही ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाकर गुर्दे की बीमारी से बचा जा सकता है। किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत छोटा सा अंग है। यह प्रत्येक दिन अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने, विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने और शरीर को सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए लगभग 200 क्वार्टर्स रक्त को साफ करती है, जिस कारण हमारा पूरा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। लेकिन यही काम अगर किडनी ठीक प्रकार से ना कर पाए तो काफ़ी गंभीर शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए आप किडनी को डिटॉक्सिफाई होना जरूरी होता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपकी किडनी बहुत ही तेजी से और अच्छे से साफ हो जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके किडनी की समस्या ना दूर हो पाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, राजमा। जी हाँ, राजमा यानी किडनी बीन्स न केवल किडनी से मिलती जुलती है बल्कि किडनी से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को भी निकालती है और किडनी की पथरी को प्रभावी तरीके से बाहर निकालती है। किडनी बीन्स विटामिन बी, फाइबर और कई खनिजों से भरपूर होते हैं जो किडनी को साफ करने और मूत्र मार्ग के कार्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। नंबर 2, एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका किडनी में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रक्रिया को रोकने में प्रभावी माना जाता है। ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के स्तर को बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, जिससे किडनी की सेहत के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। सेब के सिरके में साइट्रिक एसिड होता है जो किडनी की पथरी को समाप्त कर देता है। नियमित रूप से सेब के सिरके का सेवन करने से किडनी से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। नंबर 3, तुलसी। जी हाँ, तुलसी किडनी स्टोन को दूर करने का रामबाण उपाय है। किडनी स्टोन में रोजाना 5 से 7 तुलसी के पत्ते को चबाकर खाएं। तुलसी के पत्ते में एसिटिक एसिड और जरूरी तत्व होते हैं जो पथरी को तोड़कर मूत्र के रास्ते बाहर निकालते हैं, जिसे सर्जरी करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 4, धनिया। जी हाँ, धनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए आप 1 मुट्ठी भर धनिया के पत्ते को अच्छे से धो लें। इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट कर 1 लीटर पानी में डाल लें। इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी मिला लें। धनिया के पत्ते, अजवाइन और पानी को धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। इसे ठंडा कर हर रोज खाली पेट 1 गिलास लगातार सेवन करने से पेशाब के साथ सारी गंदगी बाहर आने लगती है। नंबर 5, अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन के सेवन से शरीर में अतिरिक्त पदार्थों को बाहर करने में सहायता मिलती है और यह किडनी के काम काज में भी सहायता करती है। यह किडनी से बेकार टॉक्सिन पदार्थों को बाहर निकालती है। अजवाइन की जड़ से पेशाब ज्यादा बनती है, जिससे बेकार पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसे किडनी को सक्रिय करने वाले टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पोटेशियम और सोडियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। नंबर 6, अदरक। जी हाँ, अदरक का उपयोग दवा के रूप में वर्षों से होता आया है। इसमें मौजूद जिंजरोल एक सक्रिय यौगिक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो किडनी में बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है और सूजन को कम करता है। इसलिए अदरक का सेवन जरूर करें। नंबर 7, हर्बल टी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यह सच है कि चाय किडनी को साफ करने में मदद कर सकती है। आप 1 कप चाय की चुस्की का आनंद लेने के साथ ही अपनी किडनी की सेहत में भी सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सामान्य दूध वाली चाय पीने के बजाय आपको कुछ ऐसी हर्बल चाय का सेवन करना होगा जो किडनी की सफाई में आपकी मदद कर सके, जैसे कंडाली या बिच्छू बूटी से बनने वाली चाय, हाइड्रेंजिया से बनने वाली चाय, इस तरह का फूल, सिंगापुर या कुकरौधा की चाय आदि। किडनी की सफाई के लिए आप इन चायों का सेवन दिनचर्या में शामिल करें, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन न करें। नंबर 8, लहसुन। जी हाँ,
भारतीय खाने में लहसुन का उपयोग जरूर किया जाता है। यह स्वाद बढ़ाने के अलावा कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। लहसुन में मैग्नीज, विटामिन सी, B6 और अन्य एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। इसके साथ ही इसमें सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस बेहद कम होता है, जो गुर्दे की बीमारी वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 9, लाल अंगूर। जी हाँ, लाल अंगूर में विटामिन सी, ए और B6 काफी मात्रा में होता है। साथ ही इसमें फोलेट, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भी पाया जाता है। इसे खाने से आपको कब्ज, थकान और पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं। यह किडनी से सारे विषैले तत्व बाहर निकाल देता है और किडनी को स्वस्थ रखता है। नंबर 10, तरबूज। जी हाँ, मैग्नीशियम फास्फेट, कार्बोनेट और कैल्शियम से बने किडनी स्टोन के इलाज के लिए तरबूज एक बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है। तरबूज में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम मौजूद होता है, जो कि स्वस्थ किडनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पोटेशियम यूरिन में एसिड लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। पोटेशियम के साथ ही पानी भी भरपूर होता है, जो कि स्टोन को नेचुरल तरीके से शरीर में बनाए रखता है। किडनी की और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें।